नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रशांत शर्मा। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाला दूसरा एक दिवसीय मुकाबला एक बार फिर से पार्ल के बोलन पार्क में खेला जाएगा। भारत को पहले मुकाबले में 31 रनों से हार का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से अब भारतीय टीम श्रृंखला में 1-0 से पीछे हो गई है। यानी कि आज हर हाल में भारत को ये मुकाबला जीतना होगा ताकि इस श्रृंखला में 1-1 की बराबरी कर सके। ऐसे में आज इस मुकाबले में भारत को सही प्लेइंग 11 का चुनाव करना होगा। ऐसा देखा जाता है कि भारत इतनी जल्दी अपनी प्लेइंग 11 में बदलाव नहीं करता है और अपनी नियमित टीम को ही खिलाता है, मगर आज इस मैच को जीतना जरूरी है तो फिर भारत आज दो बड़े बदलाव करता दिखाई दे सकता है, वेंकटेश अय्यर और भुवनेश्वर कुमार के रूप में किया जा सकता है। पिछले मुकाबले में कप्तान राहुल ने वेंकटेश अय्यर का गेंदबाजी में इस्तेमाल नहीं किया था, वहीं अय्यर बल्लेबाजी में भी भारत के लिए रन बनाने में असफल रहे थे। ऐसे में अगर उन्हें टीम में खिलाना है तो उन्हें बतौर ऑलराउंडर ही इस टीम में जगह देनी होगी, क्योंकि अगर उन्हें सिर्फ बल्लेबाज के रूप में खिलाना है तो टीम में ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव को जगह मिल सकती है। वहीं भुवनेश्वर कुमार की बात करें तो आज उनके स्थान को लेकर टीम बड़ा फैसला कर सकती है। भुवनेश्वर ने बतौर अनुभवी गेंदबाज पिछले मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी नहीं की थी, लेकिन सीनियर गेंदबाज होने की वजह से टीम इतनी आसानी से उन्हें बाहर नहीं करेगी। अगर उन्हें इस टीम में मौका नहीं मिलता है तो कप्तान प्रसिद्ध कृष्णा के साथ भी जा सकते हैं। अगर एक बार आज भारत की संभावित 11 पर नजर डाले तो वो कुछ इस प्रकार रहने वाली है। सलामी बल्लेबाज के रूप में शिखर धवन और केएल राहुल रहने वाले हैं। वहीं मध्य क्रम में विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत एक बार फिर से देखने को मिलेंगे। वेंकटेश अय्यर या फिर सूर्य कुमार यादव में से किसी एक को मौका मिल सकता है। वहीं गेंदबाजों की बात करें तो शार्दुल ठाकुर, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार या फिर प्रसिद्ध कृष्णा, जसप्रीत बुमराह और युजवेंद्र चहल इस टीम में शामिल होंगे। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।